पाकिस्तान के पूर्व पीएम का दर्द है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशखाना मामले में जैसे ही रिहाई का आदेश दिया, उसके तुरंत बाद एफआईए ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चलिए आपको बताते हैं कि अब किस केस में फंसे हैं पूर्व पीएम इमरान खान। नमस्कार, मैं हूं सत्य द्विवेदी, आपके साथ लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तोशखाना मामले में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की सजा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और पूर्व प्रधानमंत्री को जमानत देने का आदेश भी जारी किया। उसके कुछ देर बाद ही एफआईए ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। उनकी ये गिरफ्तारी सिफर मामले में हुई है। जीएन न्यूज की खबर के मुताबिक बुधवार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की विशेष अदालत ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत की अवधि को 13 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि ये सिफर मामला है क्या जिसने इमरान खान के जेल से बाहर निकलने की उम्मीद को कम कर दिया है। पर उससे पहले हम ये जान लें कि सिफर आखिर होता क्या है। सिफर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक डिप्लोमेटिक दस्तावेज है, कोड वर्ड्स में होता है, जिसको डीकोड किया जाता है। मार्च 2022 में पाकिस्तान के फैजाबाद की रैली में एक पर्ची निकालकर इमरान खान ने दावा किया था कि उनको ये सिफर मिला है, जिसमें उनकी सरकार को गिराने की कोशिश के पीछे अमेरिकी साजिश का पता चलता है। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने सिफर के जरिए बेहद गुप्त जानकारियों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। सिफर को सार्वजनिक करना आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपराध माना गया है। यही वजह है कि उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियां इस संबंध में उसे पूछताछ कर रही हैं। पाकिस्तान सीनेट में हाल ही में सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके तहत किसी गोपनीय कागजात के जरिए पाकिस्तान या पाकिस्तान की सेना को बदनाम करने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान है। माना जा रहा है कि सिफर मामले में इमरान खान पर शिकंजा कसने के मकसद से किया गया है। वहीं तोशखाना मामले में राहत मिलने के बाद भी अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर सिफर मामले में तलवार लटक रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।